परमेन यानी मित्सुओ, ये शो सबने कभी ना कभी जरूर देखा होगा और इससे आपके बचपन की बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई होंगी। परमेन के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि जापान में परमेन को परमेन नहीं बोलते। जापान में परमेन को बोला जाता है पमैन, 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 PAMAN, पमैन। आई नो कि ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात तो ये है कि आप परमेन वापस कभी अर्थ पर आएगा और पाकी यानी सुमीरे से मिलेगा। तो फिकर नॉट, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि क्या वाकई में डोरेमोन और परमेन कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि आखिर कौन है पजामा मैन। तो अगर आप इस शो के डाई हार्ट फैन रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। परमेन, डोरेमोन, पजामा मैन और निंजा हथौड़ी, और ऐसे ही 30 से ज्यादा एनिमे बनाए हैं एक ही क्रिएटर ने। मतलब ये वो क्रिएटर है जिन्होंने हम लोगों के बचपन को एकदम ऑसम बना दिया था। मानना पड़ेगा ये कोई पुरुष नहीं, ये तो महापुरुष हैं। क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। और इनका नाम है उजिको फुजियो। खैर इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी बात करते हैं परमेन के बारे में, जिसका पहला एपिसोड इंडिया में 1983 मतलब 1983 में आया था, जबकि जापान में परमेन को 1966 में यानी 1966 में ही रिलीज कर दिया गया था। मतलब जापान से परमेन को इंडिया आने में करीब 20 साल लग गए। एनीवे, आपने इस शो को कौन से ईयर में देखा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। परमेन में बेसिकली 5 परमेन है, जिनमें से नंबर 1 का नाम है जो कि एक 13 साल का लड़का है, दूसरे का नाम है बॉबी, तीसरे का नाम है पाको और चौथे का नाम है पयान, और पांचवे की तो बात ही क्या करना यार, वो 2 साल का बच्चा है और उसका नाम है परबो। अब इस परबो के अंदर ऐसी कौन सी खास बात थी जो इसको परमेन बनाया गया? तो भैया हुआ बेसिकली ये कि जो परमेन है उसकी आइडेंटिटी हमेशा छिपी रहती है, मतलब कोई नहीं जानता कि असली परमेन मित्सुओ है, लेकिन इस 2 साल के शरारती बच्चे को ये बात पता लग जाती है और फिर वो वर्ल्ड मैन को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि ये राज की बात मैं सबको बता दूंगा, और फिर मजबूरी में बर्डमैन को उस 2 साल के चिंदी बच्चे को भी परमेन बनाना पड़ता है। मतलब सीरियसली कोई सेंस है इस बात में? मतलब 2 साल का बच्चा जो अपनी पॉटी खुद से नहीं धो सकता, उसने बर्डमैन को ब्लैकमेल कर लिया। गजब बेइज्जती है। बर्डमैन चाहता तो अपनी किसी पावर का यूज करके उसकी मेमोरी वाइप कर सकता था। एनीवे लॉजिक को रखते हैं जरा साइड में। बर्डमैन है परमेन्स का बॉस और उसी ने सारे परमेन्स को सुपर पावर्स दी हैं। वो आया है बर्ड प्लेनेट से और उसका ये मानना है कि अर्थ पर क्राइम रोकने का काम वो अकेला नहीं कर सकता, उसको चाहिए बहुत सारे असिस्टेंट जो उसकी गैर मौजूदगी में अर्थ पर रहे, और इसीलिए उसने कुछ लोगों को चुनकर परमेन बनाया। बेसिकली जब ये सीरीज बनाई जा रही थी तो बर्डमैन का नाम पहले सुपरमैन रखना था, लेकिन ऑलरेडी सुपरमैन एक सुपर हीरो का नाम था तो कॉपीराइट के लफड़े के चलते हुए उनको नाम बदलना पड़ा। उन्होंने सुपरमैन का नाम रख दिया बर्डमैन, लेकिन सुपरमैन नाम रखने की खुजली क्रिएटर्स की बंद नहीं हुई। उन्होंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने इन असिस्टेंट्स का नाम रख दिया परमैन, मतलब सुपरमैन में से सू को हटा दिया। मतलब इस शो के जो क्रिएटर थे वो टैलेंटेड होने के साथ साथ जुगाड़ू भी थे। एनीवे परमैन के पास एक हेलमेट है जिसकी वजह से उसकी शक्ति 6600 गुना बढ़ जाती है। ये हेलमेट एक ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से परमैन दुनिया की किसी भी भाषा को आसानी से समझ सकता है। वो काफी तेज दौड़ सकता है और उसके पास एक्सरे विजन भी है, मतलब वो दीवार के आर पार देख सकता है और कपड़ों के आर पार भी देख सकता है। देखा कैसा लग रहा है? हथियार काफी बड़ा है। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी आज तक उसको पता नहीं चला कि पाको ही सुमीरे है। हर परमैन के पास अपना एक पर्सनल रोबोट होता है जिसकी लाल रंग की नाक होती है, वो एक बटन होता है जिसको दबाने पर वो रोबोट अपने मालिक का रूप ले लेता है, ताकि असली परमैन जब जाकर दुनिया की रक्षा कर रहा हो तो उसकी एब्सेंस में किसी को पता ना चले कि वो इंसान तो परमैन बनके उड़ चुका है और वो रोबोट उस इंसान की जगह लेकर उसके सारे काम करता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, करीब 12 घंटे बाद इन रोबोट्स की बैटरी डाउन होने लगती है, इसलिए कैसे भी करके परमैन को 12 घंटे के अंदर अपना काम निपटाकर असली जगह पर वापस लौटना पड़ता है। एनीवे हर परमैन के पास अपना एक अलग रोबोट है और उस रोबोट का कलर भी अलग होता है, ताकि कार्टून देखने वाले एनीमे देखने वाले बच्चों को ये पता रहे कि कौन सा रोबोट किसका है, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या डोरेमोन और परमेन कनेक्टेड हैं?
इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है इस सीरीज के ओरिजिन में। इसको बनाया था उजिको फुजियो ने, लेकिन ये इनकी जोड़ी का एक नाम था जो कि मांगा सीरीज में यूज किया जाता था। ये दो अलग अलग लोग थे जो जापानीज मांगा सीरीज के आर्टिस्ट थे, जिनमें की पहले बंदे का नाम था हिरोशी फुजीमोटो और दूसरे का नाम था मोटो अबिको। और इन्हीं ने मिलकर परमैन, डोरेमोन, पजामा मैन और निंजा हथौड़ी जैसे लेजेंड एनीमे बनाए। बाकी सबका तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन शायद पजामा मैन ना आपने देखा हो ना पहले कभी सुना हो। ये भी पोकेमोन, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी की तरह ही एक सुपर हीरो था जो बस पजामा पहनता था, इसलिए इसका नाम था पजामा मैन। एनीवे, इंडिया में अगर किसी ने ये सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो डोरेमोन और पोकेमोन ये दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनको बनाने वाला इंसान भी एक ही है। और साथ ही साथ डोरेमोन के बहुत सारे एपिसोड्स में आपको मित्सुओ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर सुमीरे का भी कैमियो रोल होता है। और मैं आपको बता दूं कि परमैन धरती पर वापस लौटेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब भी डोरेमोन के एक एपिसोड में छिपा हुआ है। हालांकि इन दोनों शोज की टाइमलाइन काफी अलग अलग है, क्योंकि जहां पर परमैन में सारे कैरेक्टर्स छोटे छोटे बच्चे होते है, वहां पर डोरेमोन में जब नोबिता बच्चा होता है तब सुमीरे काफी जवान और बड़ी होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर डोरेमोन को जब धरती की रक्षा के लिए ही परमैन बनाया गया था, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब सवाल ये उठता है कि जब मित्सुओ को धरती की रक्षा के लिए ही परमैन बनाया गया था तो वो धरती को छोड़कर गया कहां? मतलब गया कहां तो फिर भी दूसरी बात है, आखिर गया ही क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है परमैन के लास्ट एपिसोड में, जो इंडिया में काफी कम लोगों ने देखा है, जहां पर बर्डमैन रिक्वेस्ट करता है मित्सुओ से कि उसको उसके साथ बर्ड प्लेनेट पर चलना पड़ेगा, और मित्सुओ परमैन बनके धरती छोड़कर बर्ड प्लेनेट पर चला जाता है। हालांकि मित्सुओ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए रात को उसने पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया। अगले दिन वो अपनी माँ से बाय बाय करके चला आया और अपनी जगह पर अपने उस रोबोट को रख दिया। लास्ट एपिसोड में बर्डमैन और परमैन ने मित्सुओ के रोबोट में कुछ चेंजेस किए थे ताकि वो लाइफ टाइम चल सके और मित्सुओ की फैमिली को कभी ये पता ना चल सके कि असली मित्सुओ तो कहीं और ही है। अब मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि ठीक है रोबोट हमेशा चलेगा, लेकिन क्या रोबोट की हाइट बढ़ेगी, क्या उसकी उम्र बढ़ेगी? देखो समय के साथ साथ पोल तो खुल ही जाएगी। एनीवे, परमैन धरती को छोड़ने से पहले बाकी सारे परमैन से गले मिलता है, वो अपनी माँ से भी मिलता है, लेकिन बर्डमैन ने मित्सुओ की माँ को थोड़ी देर के लिए स्टैच्यू कर दिया था जिससे वो कुछ भी सुन या देख नहीं पा रही थी। मित्सुओ उन्हें गले लगाकर उन्हें अलविदा कहता है। मित्सुओ जो कि परमैन नंबर वन था, वो मिस सुमीरे को बहुत चाहता था, बहुत ही प्यार करता था, और उसे नहीं पता था कि पाको ही सुमीरे है, और पाको भी परमैन को दिल से चाहती थी। हालांकि किसी भी परमैन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अगर कोई परमैन अपनी आइडेंटिटी बता देता था तो उसके सारे पावर्स चले जाते थे। उसके बावजूद भी मित्सुओ को जाने से पहले पाको ने अपना असली चेहरा दिखाया, और ये देखने के बाद पाको की सारी सुपर पावर्स चली गई और परमैन का भी अर्थ छोड़कर जाने का इरादा बदल गया। लेकिन हालांकि वो मजबूर था इसलिए उसे जाना पड़ा। अब पाको यानी सुमीरे जिंदगी भर अर्थ पर परमैन के लौटने का इंतजार कर रही है, और ये इस बात का जिक्र नोबिता से भी करती है डोरेमोन शो के एक एपिसोड में। अभी अधूरी लव स्टोरी कब पूरी होगी, ये इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इस लास्ट एपिसोड के बाद परमैन देखने वाले लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे जिनका जवाब वो लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था बर्ड प्लेनेट पर जो परमैन को वहां जाना पड़ा? क्या पाको की पावर सच में जिंदगी भर के लिए उससे छीन ली गई? पाको की शादी आखिरकार किससे हुई? क्या परमैन कभी धरती पर वापस लौटकर आया? लेकिन इन सारे सवालों में से एक सवाल का जवाब डोरेमोन के शो में मिल जाता है, जहां पर टीवी के एक प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि एक यंग डैशिंग सा लड़का जो बिल्कुल ही परमैन जैसे कपड़े पहने हुए था, वो अंतरिक्ष से धरती पर लौटकर आता है और सुमीरे से गले मिलता है। हालांकि वो काफी ज्यादा उम्र में बड़ा हो गया था, लेकिन पहचान सकते हैं हम कि यही था हमारा परमैन। लेकिन अब चूंकि बर्डमैन बूढ़ा होकर मर चुका था, इसलिए परमैन ही अब बर्डमैन बन गया था। ये सब केवल एक गैसिंग है। आने वाले समय में अगर परमैन पर कोई मूवी आती है तो हो सकता है हमारे सवालों का जवाब उसमें हमें मिल जाए। लेकिन ओरिजिनल मांगा सीरीज में परमैन धरती पर लौटकर आया था और उसने सुमीरे से शादी भी करी थी और फिर उनका एक बच्चा भी हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा था फ्लाइंग जेट। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। कुछ भी। धरती पर लौट कर आने तक की बात तो ठीक है, उसके बाद सब मैंने मजाक में ही बोला था। इन सारे शोज का, मतलब डोरेमोन का, पोकेमोन और निंजा हथौड़ी का, मैं खुद डाई हार्ड फैन हूँ। और इन सभी शोज में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। इवन निंजा हथौड़ी की बहुत सारी मूवीज आई हैं, कुछ तो हिंदी में भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और उनमें आपको ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिससे मूवी देखने का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, मेरे हिसाब से और भी ज्यादा जापानीज मूवी को हिंदी में डब करके इंडिया में रिलीज करना चाहिए। और परमैन पर काफी कम एपिसोड्स बने हैं, जबकि मांगा सीरीज में इस पर काफी लंबी कहानी है, तो परमैन के पॉसिबली और
भी एपिसोड्स आ सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताने कि क्या आप चाहते हो फिर से परमानेंट टीवी पर आना शुरू हो जाए, वो भी नए एपिसोड्स के साथ, क्योंकि भैया उन्हें देखने में मजा तो आएगा ही, नॉस्टैल्जिया फील भी आएगा। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हां, आई नो कि लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट बनी रखी है, लेकिन एक एक करके हर टॉपिक पर वीडियो आएगा। बस सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकॉन को दबा कर रखो। और हां, गौरव कटारे मतलब मेरे पहले चैनल पर वीडियो आया है नया ताजा, इसका टाइटल है व्हाट इफ यू वर स्वॉलोड बाय एन एनाकोंडा, मतलब क्या होगा अगर आपको एक एनाकोंडा जिंदा निगल जाए। नहीं देखा तो यहीं कहीं दिख रहा होगा, देख डालना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। परमैन को जापान में कहा जाता है मित्सुओ, परमैन यानी मित्सुओ, जिसे जापान में कहा जाता है परमैन। ये क्या है, ये तो कोई तुतला आदमी भी इंडिया में परमैन को परमैन ही बोलेगा। एनीवे, परमैन डोरेमोन पजामा मैन निंजा हथौड़ी। मित्सुओ 13 साल का बच्चा था। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा परमैन के बारे में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आरजे गौरव को, और मेरी इस ओवर एक्टिंग के लिए आप 50 रुपए काट लेना अपने पेटीएम अकाउंट से और मुझे भेज देना। इनका असली नाम था उजी को फुजी को, और पहले बंदे का नाम था होरीशो फुजीमोटो। मैं बंगाली बन गया, हिरोशी फुजीमोटो। दूसरे का नाम था मोटो अभी को। क्या है भाई यार, आसान नाम नहीं रख सकता हमारी तरह, जैसे कि राकेश, सुरेश। लास्ट एपिसोड में पाको अपना चेहरा दिखाती है और मित्सुओ पिघल जाता है। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ।